नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बामौर में पुरानी रंजिश को लेकर राजू उर्फ व कल्लू जाटव निवासी चीन और ग्वालियर ने गत रात्रि 10 बजे सक्सेना का पुरा निवासी सोनेराम जाटव की 24 वर्षीय पत्नी फूलवती की मारपीट कर गला दबा दिया। युवती के चिल्लाने पर आरोपी भाग गया। युवती की शिकायत पर बामौर पुलिस ने धारा 452, 323 व 294, 506 के प्रकरण मामला पंजीबद्ध कर लिया है। बामौर में पुरानी रंजिश को लेकर राजू उर्फ कल्लू जाटव निवासी चीन और ग्वालियर ने गत रात्रि 10 बजे सक्सेना का पुरा निवासी सोनेराम जाटव की 24 वर्षीय पत्नी फूलवती की मारपीट कर गला दबा दिया। युवती के चिल्लाने पर आरोपी भाग गया। युवती की शिकायत पर बामौर पुलिस ने पीड़ित महिला फूलवती ने बताया है कि पिछले एक माह पूर्व उनकी बहन की नाबालिग लड़की को आरोपी का भाई भगा कर ले गया था, जो इस समय जेल में है। उक्त आरोपी ने इसी रंजिश के कारण उक्त महिला की मारपीट कर गला दबा दिया था। बामौर पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तुम्हारा फूलवती फूलवती बताओ, क्या थाने पे आई, क्या समस्या आपकी? गला घोंटा भी रखा। राजू कमरे में आया था, डायरेक्ट आते ही पहले तो बच्चे को उधर किया, उसको दूसरे पे डाल दिया, फिर उसने गला दबाया था। एक पैर मेरे पैर पे रखा था, एक पैर मेरी छाती पर रखा। राजू कौन है? अनिल का बड़ा भाई। अनिल अनिल कौन है ये? वो जो लड़की को लेके गया था। अच्छा, लड़की को लेके गया, उसका भाई आपके पास आया? कब की बात है ये? कल शाम 10 बजे। कल 10 बजे रात को? फिर उसने गला दबा दिया आपका? दबाया था बहुत। मैंने बच्चे लड़का भी पकड़ के फेंक दिया उसने। तो क्या क्या बताया उन्होंने, क्या कह रहा था वो? ये कह रहा था कि आप तू अभी मरेगी, जिसको याद करना है कर ले। तो मैंने इनको आवाज़ दी थी, बगल में ये रहते हैं, तो मैंने गोदरी में लात दी। मैंने बहुत आवाज़। मैंने ये बताओ, उसने गला क्यों दबाया, आप क्या वजह थी उसकी? वो पुरानी मतलब चल रही ना, पुराना वो रट्टा चल रहा। क्या क्या रट्टा चल रहा है? लड़की के ऊपर। लड़की के ऊपर? कौन लड़की, कौन थी वो आपकी? लड़की आपकी कौन थी वो? मेरी जेठानी की लड़की। अच्छा, उसको वो जो चली गई थी, तो उसकी तो क्या तारीख पेशी थी उसकी? आरोपी क्या था उसका? तारीख वहाँ से लौट के आए वो लोग? तीन लोग थे वो। दो बाहर खड़े थे, पर्दे में दिख रहे थे, एक नरेश था, नरेश और रजीत थे। रिपोर्ट करा दी आपने? करा दिया। मेरा नाम है हरकेश। हरकेश, हरकेश बताओ क्या समस्या है? मेरा अकाउंट था सेंट्रल बैंक में, बामौर में। इसमें मेरा पैसा था। इसमें मेरा पैसा निकला, मेरे पास मैसेज आया, पहले 20,000 निकले। मैंने फोन लगाया भाई के लिए, ऐसी की बात है। दो मिनट बाद फिर मैसेज आया, 20,000 निकल गए। इसके दो मिनट बाद फिर मैसेज आया, 40,000 निकल गए। फिर मैसेज आया कि 60,000 निकल गए। मैंने फोन लगाया, बैंक भैयाने लगाया, जब वो ब्लॉक करवाया तब पैसा रुका था। तो खाते कितना पैसा निकल गया आपका? मेरा 1,40,000 रुपये निकल गए। अब कल ही कल में? हाँ, कल ही कल ही। इसकी जानकारी आप प्रबंधक को दी आपने? दी, बता रहा है। क्या क्या कहा उन्होंने? ये कह रहे थे करेंगे कोशिश, कागज कार्रवाई करेंगे सर। ऐसा क्या होता है, मेरा पैसा है, मैं पैसा कहाँ रखूँगा बताओ? घर रखूँ तो दिक्कत, वहाँ रखूँ तो भी दिक्कत, इंसान किसान कहाँ जाएगा भाई? तो ये पैसा आपका जो बैंक से एटीएम से निकला है कि वैसे निकला है? एटीएम से निकला है, मेरा एटीएम मेरे पास है, मेरी पासबुक मेरे पास है। हाँ, 40,000 एटीएम निकले सर, 60,000 1,00,000 ट्रांसफर हुए हैं। 1,00,000 ट्रांसफर हुए हैं? ट्रांसफर हुए हैं, 40,000 एटीएम से निकले हैं। ग्वालियर जिले के देहात थाने हस्तिनापुर के अंतर्गत एक युवक ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डीएसपी विजय सिंह भदौरिया ने बताया है कि हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम गणपतपुरा की रहने वाली एक 14 साल की नाबालिग सिरसौद से पढ़कर लौट रही थी, तभी रास्ते में गणपतपुरा के ही एक युवक ने उसका रास्ता रोका और सरसों के खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर दिया। आरोपी युवक ने पीड़ित को जान से मारने की भी धमकी दी और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया और उसके बयान के लिए न्यायालय भेज दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गणपतपुरा की एक 14 वर्षीय बालिका जो ग्राम से सौ से पढ़ाई करके आ रही थी, तो रास्ते में डांग पड़ती है,
तो डांग के पास में सरसों के खेत थे, वहाँ पर गणपतपुरा के ही एक व्यक्ति ने, लगभग इसकी उम्र 20-21 वर्ष है, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करने के बाद से फरार हो गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और न्यायालय कथन के लिए भेजा गया है। जहाँ से माने की धमकी दी गई, आरोपिया ने यह सॉरी फरियादिया ने बताया है जान से माने की धमकी। लगातार सख्ती और पुलिस एवं प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद रेत माफिया अभी भी सक्रिय और बेखौफ होकर कारोबार कर रहे हैं। खास बात यह है कि माफिया प्रतिबंधित चंबल से रेत निकाल रहे हैं। आज एक कार्रवाई के दौरान रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसमें TI घायल हुए हैं। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना पुलिस की टीम ने सूचना के बाद आज मुरैना जिले से चंबल से रेत लाकर ग्वालियर में सप्लाई करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। TI सुधीर सिंह कुशवा के नेतृत्व में थाने का फोर्स ने जब जलालपुरा अंडरब्रिज में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दोनों तरफ डंपर लगाकर घेरा तो रेत माफियाओं ने फायरिंग कर दी और ट्रैक्टर से डंपर को गिराने की कोशिश की, जिसमें डंपर के पास खड़े TI सुधीर सिंह कुशवा घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन फायरिंग से पुलिस घबराई नहीं और पुलिस ने ताकत दिखाते हुए चंबल की अवैध रेत से भरी हुई 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ ली। पुलिस ने रेत लेकर आ रहे 6 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 2 कट्टे 6 जिंदा राउंड सहित बरामद किए। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। तो छुप गिर गया था कि मोबाइल आपका भी सो वहीं गिर गया। अरे स्टेट अंदर चला गया था चलते हट्टे लेके आए नंबर है मारी टक्कर नंबर पीछे हो गया सर हम यहाँ इधर हम उधर दरवा जी फिर भी इधर वाला फिर दोबारा फंस गया दो बार मारे पीछे अच्छा ट्रैक्टर बदल लिया हाँ सर कहाँ से निकल गया था पकड़ लिया उसे हाँ पकड़ लिया सर पकड़ पाए पूरे पहुँचो आदमी पूरे पकड़ गए पकड़ गए जरूरी है वह क्या अच्छा है वर्क तो ऐसे कोई जर्मन कोई चीज नहीं जी हाँ, पुरानी छावनी थाना क्षेत्रांतर्गत आज रेत माफियाओं के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है। TI पुरानी छावनी के द्वारा को जब सूचना मिली कि रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से रेत परिवहन करके शहर के विभिन्न इलाकों में बेचने की तैयारी से रेत माफिया ट्रैक्टर में रेत भरकर आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी घेराबंदी करी और जलालपुर के पास में जो रेलवे का अंडरब्रिज है वहाँ पर जब ट्रैक्टर अंदर घुसे तो उन्होंने दोनों तरफ से डंपर लगवा के उन ट्रैक्टरों को रुकवाया और जब वो अपने आप को घेरा पाया ट्रैक्टर चालकों ने तो उसमें से कुछ लोगों ने उसमें से फायरिंग करी और ट्रैक्टर से टक्कर मार के डंपर को भी हटाने का प्रयास किया और उसमें डंपर के पास खड़े TI सुधीर सिंह कुशवा को भी चोट आई है और इसमें 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और 2 कट्टे भी जब्त हुए हैं, 6 जिंदा राउंड जब्त हुए हैं और शेष आरोपियों की 6 आरोपी हैं इसमें और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और रेत माफियाओं के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई रही है। इनका आना चंबल की तरफ से आया जाता आता रहते हैं, मुरैना जिला की तरफ से ये लोग परिवहन करते हैं ग्वालियर शहर में आके। बामा नगर की सेंट्रल बैंक शाखा से खाता धारक किसान हरि के पुत्र महेंद्र सिंह गुर्जर निवासी गांव रंचोली के सेवित खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 1,40,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। पीड़ित किसान द्वारा जिसकी शाखा प्रबंधन तथा बामर पुलिस में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। बामा नगर की सेंट्रल बैंक शाखा से खाता धारक किसान हरिकेश पुत्र महेंद्र सिंह गुर्जर निवासी गांव रंचोली से सेविंग खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 1,40,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित किसान द्वारा जिसकी शाखा प्रबंधन तथा बामर पुलिस ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है।
पीड़ित किसान हरिकेश गुर्जर ने बताया है कि खाते से पैसे निकल जाने की जानकारी उसे जब हुई, जब उसके मोबाइल पर लगातार 4 मैसेज आए तो उसने बामो सेंट्रल बैंक पहुंचकर अपना खाता बंद कराया। इस बारे में सेंट्रल बैंक शाखा प्रबंधन आरके वर्मा का कहना है कि पीड़ित किसान के आवेदन पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है हरिकेश। हरिकेश, हरिकेश बताओ क्या मामला है आपका? जो मेरा एक बैंक में खाता है सेंट्रल बैंक में। हाँ। मेरे खाते में जो अमाउंट था उसमें से 1,60,000 रुपये गायब हो चुके हैं। हाँ। मैं बैंक मैनेजर से कह रहा हूँ कहाँ मेरा पैसा दो। हाँ। कह रहा है कि मैं खाते से कितने पैसे निकल गए आपके? 1,60,000। 1,60,000। इसकी जानकारी कैसे हुई आपको? मेरे पास मैसेज आया, मैंने खाते में चेक किया था पैसा। हाँ। उसमें 1,60,000 रुपये गायब नहीं था। शिकायत की थी आपने? शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी ओर से। कब का मामला है, कब की घटना है? 2 तारीख 3 तारीख। 3 तारीख की है। हाँ। तो आप क्या चाहते हो आप? मैं पैसा चाहता हूँ। 1,60,000 रुपये आपके खाते से निकल गया। हाँ। और खाते से आपने पैसे जमा निकाले नहीं अभी? नहीं निकाले। नहीं ATM चालू किया? नहीं। चेक कर सकते, मेरा ATM मेरे पास नहीं, जब मेरे पास मेरे पास है। अच्छा। इसमें बैंक मैनेजर चेक कर सकता है जी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा द्वारा थाना कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा द्वारा थाना कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना कोतवाली के CCTNS कक्ष, सत्राकार, हवालात, भोजनालय एवं आरक्षी बैरक का निरीक्षण किया गया। कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण अभिलेखों के साफ सफाई और रखरखाव हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। दतिया जिले में सरेआम चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी का नहीं है डर। मामला दतिया रिछरा फाटक निवासी ठेकेदार रामस्वरूप यादव का है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक से पैसे लेकर घर जा रहे थे, तभी रास्ते में चोरों ने चोरी कर लिए। जहाँ सरेआम चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं और उन्हें किसी का डर नहीं है। जी हाँ, यह मामला दतिया के रिचरा फाटक निवासी ठेकेदार रामस्वरूप यादव का है, जो भारतीय स्टेट बैंक से 1,40,000 रुपये की नकदी निकालकर अपनी स्कूटी से घर के लिए निकले। घर पहुंचे, घर के अंदर प्रवेश करते ही ध्यान आया कि पैसे डिक्की में रखे छोड़ दिए हैं, तो तुरंत ही पैसे लेने के लिए गए। पैसे बरामद नहीं हुए। पैसा न मिलने पर चोरी की आशंका जताते हुए पास में लगे तीसरी आँख CCTV कैमरे को जब चेक कराया तो मामला चोरी का निकला, जहां 3 व्यक्ति द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। तुरंत ही 100 डायल को सूचना दी गई और कोतवाली पहुंच के घटना की सूचना TI रविंद्र गुर्जर को दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए दतिया TI द्वारा धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और मामले की जाँच करने में कोतवाली पुलिस जुट गई है। दतिया से हमारी संवाददाता की खबर। क्या नाम है आपका? पुष्पराज यादव। क्या घटना हुई है? मेरे पिताजी बैंक से पैसे निकाल के आए थे 1,90,000 रुपए, उसमें से 50,000 रुपए अपने स्टाफ को दिए, 1,40,000 रुपए डिक्की में रखे थे पैसे, तो वो चोर आए 4 लोग, तो वो निकाल के ले गए। उसकी कैमरा में कैद है, पुलिस हमारे पास ही थी, FIR हमने करा दी है। कितने बजे गए थे पिताजी आपके बैंक से? 11:30। ये घटना कब की है? 12 बजे घर पे आया, 12:15 की घटना। तो क्या पैसे बाहर छोड़ दिए थे उन्होंने डिक्की में? थोड़ा वार्निंग करने के लिए गए, उसकी 2 मिनट में निकाल ले गए। अब कोतवाली थाने से क्या कार्रवाई हुई? पुष्पराज पिताजी का नाम इनका रामस्वरूप है, 31 साल के, रिसरा फाटक के। इनके द्वारा आज शिकायत की गई कि उनके पिताजी SBI बैंक गांधी रोड से आ रहे थे और स्कूटी की डिग्गी में इनके पैसे रखे हुए थे 1,90,000 रुपये, 50,000 रुपये ये लोग अंदर दे दिए, 1,40,000 रखे रहे थे, तो कोई अज्ञात लड़के हैं वो पैसे निकाल ले गए हैं और वो CCTV फुटेज में भी आए हैं और इसके इस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन में। क्या धारा है सर? ये 379। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बार बार गुटों संबंधी सवालों पर विराम लगाते हुए कहा कि कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता हूं। यह बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी मधुकर राव के इंदौर में सिंधिया समर्थकों के समावेश के संबंध में दिए गए बयान के संदर्भ में कही। सिंधिया गुरुवार की रात को निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 3 घंटे के अल्प प्रवास पर आए थे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेशन पर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एनके सिंह का आभार जताते हुए कहा कि चंबल का पानी मुरैना व ग्वालियर लाने चंदेरी के बुनकारों व महाकाल मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए पत्र लिखा था। यह पत्र मैंने कोरोना संक्रमण काल में लिखा था। इन तीनों कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद स्वीकार की थी। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि जब मैं यहां आऊं तो खाली हाथ नहीं। क्या हो गया? मैंने सदन में भी और मैंने अपने प्रेस रिलीज के आधार पे भी दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एनके सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित की है। मैंने सदैव ये कामना की है कि मेरी कोशिश है कि मैं आऊं तो मैं कभी भी खाली हाथ ना आऊं, कुछ न कुछ लेकर आऊं। इस बार 400 करोड़ रुपए की योजनाओं को हम लेके आए हैं। चंबल से मुरैना के लिए पानी और चंबल से ग्वालियर के लिए पानी जो योजना हमने बनाई थी उसकी वित्तीय सहायता ऋण के आधार पर प्रदेश सरकार लेने वाली थी। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। पिछले साल के अगस्त के माह में कोरोना काल के समय में ही मैंने वित्त आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि मध्य प्रदेश के ऊपर ऋण का भार न हो, केंद्र सरकार से वित्त आयोग के द्वारा बजट में ये प्रस्ताव रखा जाए कि 250 करोड़ रुपए मुरैना के लिए और ग्वालियर के लिए पानी की योजना, चंबल के लिए वित्तीय सहायता केंद्र की सरकार के द्वारा दिया जाए। उसी के साथ एक अन्य मुद्दा मैंने रखा था कि ग्वालियर, शिवपुरी, चंदेरी का पर्यटन का सर्किट और हमारे बुनकरों की सहायता के लिए एक नई योजना 75 करोड़ की मंजूर की जाए ताकि एक नई उन्नति इस क्षेत्र में हम लोग ला पाएँ। और तीसरी योजना थी मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक स्थान जो हमारे महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, जो सिंधिया परिवार के द्वारा ही स्थापित था, उसके जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए 75 करोड़ की राशि। और मैं एनके सिंह जी को, निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को, तीनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीनों योजनाओं को हरी झंडी और स्वीकृति उन्होंने दिलवाई। 250 करोड़ पानी के लिए, 75 करोड़ पर्यटन और बुनकरों के लिए और 75 करोड़ महाकाल के लिए। तो ये 400 करोड़ की योजनाएं मध्य प्रदेश को दी गई हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। भारत साहब, एक तस्वीर हमने देखी है, बड़ी सुहानी थी, उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। दिग्विजय सिंह जी ने आपको महाराज कहा, सदन में चर्चा हुई, बधाई दी है, आशीर्वाद दिया है, आपने आशीर्वाद माना। देखिए, विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों में मतभेद होते हैं, पर मैं उस परिवार से आया हूँ जहाँ सोच विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक स्तर होना चाहिए राजनीति का, और वही मैंने पिछले 20 सालों में मेंटेन करने की कोशिश की है। और उसी संदर्भ में हमारी चर्चा सदन में हुई थी, और जो हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी को कहना था उन्होंने कहा, और जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। जी, वो भारती ने शराबबंदी अभियान शुरू करने की बात कही, आपको क्या लगता है, आप क्या स्टैंड है? ये मुद्दा आदरणीय उमा भारती जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बीच का वार्तालाप है, जो आप लोगों के द्वारा ही रिपोर्ट किया गया, जो मैंने पूछा था। ग्वालियर का मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के लिए नीति बनाई जाती है, उन दोनों के बीच का संदर्भ है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। व्यापार मेले को लेकर क्या कहेंगे? व्यापार मेले को लेकर व्यापारी नाराज हैं कई बात से, किसी मोटे व्यापारी आ गए हैं। किसके लिए? ग्वालियर का व्यापार मेला। हमारा मेला ऐतिहासिक मेला सदैव रहा है, हर बार इस मेले को प्रोत्साहन देने के लिए हमने सदैव कोशिश की है, इस बार भी हमारा मेला ऐतिहासिक रहेगा। आप लोगों को बड़ी थोड़ी शंका थी पिछले वर्ष और उसके वर्ष पहले, क्योंकि टर्नओवर इतना गिर गया था
सौ करोड़ तक आ गया था, चार गुना हो गया, अब आठ गुना हो गया। अब इस साल कोरोना के वजह से मेरी आशा है कि कम पिछले साल का रेवेन्यू तक तो पहुंच जाना चाहिए। महाराज साहब, एक आखिरी सवाल है कि मुरलीधर राव इंदौर में थे, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सिंधिया जी की वजह से हमारे कुछ लोग वंचित रह गए। देखिए आप, आप लोगों कृपा करके देश में लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। मुरलीधर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुरलीधर जी ने ये कहा कि जब लोगों का समावेश हुआ है पार्टी में और लोग अब एकजुट होकर परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो सब उस समावेश में जब परिवार बढ़ता है तो सभी का समावेश होने में सभी को स्थान मिलता है। और जहाँ तक ये बात बार बार चलती है, कोई सिंधिया गुट नहीं है, कोई फलाना गुट नहीं है, कोई ढिकाना गुट नहीं है। आप लोग बीजेपी को कवर कर रहे हो बहुत पहले से। बीजेपी में केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है मैं नहीं जानता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, जन जागरण हेतु दुर्गा वाहिनी द्वारा महिलाओं की विशाल रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए जन जागरण हेतु दुर्गा वाहिनी द्वारा इटावा में एक विशाल रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया। यह यात्रा आईसीस इंटर कॉलेज सासी चौराहे नौरंगाबाद त्रिकोनिया राजागंज चौराहे पचराहा बजरिया चौराहा होते हुए टिक्सी मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें सदर विधायक इटावा सहिता भदौरिया बर्तना विधायक सावित्री कठेरिया आदि शामिल रहे। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पर न्यूज के साथ।